रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे कोरोना के वॉरियर्स हैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई उनके प्रति कंडोलेंस भी अर्पित करते हैं। और साथ ही हमारे देश के जितने भी नागरिक इस कोरोना से पीड़ित हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार को कंडोलेंस देते हैं। ये इस प्रकार की बीमारी है जो पूरी दुनिया में विश्वव्यापी रहा, लेकिन मैं बिहार से आता हूँ, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं आज यहाँ भी सुन रहा था और मैं ये देख भी रहा हूँ कि बार बार एक चर्चा किया जाता है माइग्रेंट वर्कर की। इस देश में, भारत में संविधान है, भारत के संविधान में सभी नागरिकों को अधिकार है कि देश के किसी कोने में रहे, वहाँ काम करे और वहाँ रहे। इकोनॉमी में कैपिटल भी है, मार्केट भी है और लेबर भी है। आप सिर्फ लेबर को क्यों माइग्रेंट कह रहे हैं? इस शब्द को मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और सभी पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि तत्काल अपनी डिक्शनरी से इसको हटाएं। इस देश के हमारे नागरिक हैं, सब लोगों ने जाकर के उन प्रदेशों में काम किया, उनके विकास के लिए काम किया और जब इस तरह की स्थिति आती है तो उनको माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। हमारे बिहार की जरा पीड़ा देखिए, हमारे बिहार के लोगों ने पूरे देश के निर्माण में सब जगह काम किया और दिन भर उनको प्रवासी माइग्रेंट करते हैं। मेरा अनुरोध होगा केंद्र सरकार से, सभी केंद्र जितने हमारे पार्टी के लोग हैं सभी पार्टियों से, कम से कम इस शब्द को तो हटा दीजिए। हमारा देश एक है, नागरिकता एक है, फिर यहाँ प्रवासी कौन है? तत्काल इसको खत्म किया जाए, ये बहुत बड़ा अपमान होता। और बिहार ने जो झेला, किस प्रदेश ने झेला, 20,95,000 हमारे साथी जो बाहर काम किए, क्या कर रहे थे वहां? उनका विकास का काम कर रहे थे और जब समय आया विदा कर दिया। आप उन्हीं को आप ट्रेन से बुला रहे हैं, प्लेन का पैसा दे रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझना चाहिए कि विकास में सिर्फ कैपिटल नहीं है, विकास में सिर्फ मार्केट नहीं है, विकास में लेबर भी है, स्किल्ड लेबर भी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। आप बताइए हमारे बिहार में कितने बैंक्स हैं? तो हम लिखवा दें सबके सामने प्रवासी बैंक, क्योंकि बिहार में किसी की राजधानी नहीं है। जितने इंश्योरेंस कंपनी है किसी की वहां राजधानी है? लिखवा दें प्रवासी जी नहीं। तो ये बदलना चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस हाउस में इस पर कंसेंसस बने कि माइग्रेंट शब्द का, माइग्रेंट लेबर शब्द का प्रयोग न हो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, हर्ट करता है। अपने खून पसीने से सेवा करते हैं और उनको कह देते हैं प्रवासी, संविधान हमारे सामने। तो मेरा एक अनुरोध ये साथ में, अब बिहार में देखिए हमारे यहां 21,20,95,000 लोग आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने, जहां जहां हमारे लोग थे सबके खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफर तत्काल किया, उनको कोई परेशानी ना। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे जिले शहर थे जहां से लोग आए, जहां कोविड की समस्या थी, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, क्वारंटाइन सेंटर में 15,00,000 से ज्यादा लोग रहे। एक एक हमारे वहां साथियों को पर 5,300 रुपया खर्च किया गया उनके खाने पर, 14 दिन जो रखा गया। और इसके साथ ही जितने भी हमारे बिहार में हमारे जितने राशन कार्ड होल्डर थे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को किसी प्रकार की भुखमरी का सामना न करना पड़े, सबके खाते में 1,000 रुपया दिया। और ये प्रयास किया गया कि जितने भी लोग हैं सब लोग ठीक से रहें। हम सब लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन किसानों को भी धन्यवाद दीजिए जिन्होंने कि इस पूरे महामारी के दौर में अपने खेतों में काम किया और ठीक कर रहे थे केशवराव जी ने, जिस प्रकार का उत्पादन किया गया। तो देखिए अब समय क्या गया, समय यह है कि जो अभी समस्या हमारे सामने, पूरे देश में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करें, सब लोग मिलकर के इसमें काम करें। और सबसे जरूरी क्या है, जो टेस्ट का मामला है, RT-PCR का जो मामला है, इस मशीनें जो है बाहर से आती हैं, अब कोवास मशीन है हमारे बिहार में, बहुत मशीन तो नहीं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार ने मदद भी किया है, तत्काल इनकी संख्या और बढ़ाई जाए। आप एंटीजन टेस्ट करते हैं, लेकिन जो इसका जो RT-PCR टेस्ट होता है वही डेफिनेटिव होता है। हम लोग को एक बात और करनी चाहिए कि हम लोग ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि दहशत ना हो। आप ये देखें कि हमारे यहाँ मृत्यु दर 1.67 है, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे यहाँ जो गंभीर रूप से पीड़ित हुए, जो माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, 1.70।
मतलब हमको फोकस कहां करना है? लोगों के मन में बहाना है कि है बीमारी हमारे पास, लेकिन मृत्यु जो है सिर्फ उनको हो रही है जहां की कोमोर्बिडिटी का है। अगर इसको बता दिया जाएगा तो जो दहशत का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा जी, और निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और नेबू एलामारम करीम जी,